वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड. आई बिलीव यू आर डूइंग ग्रेट. सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम इन आवर लाइव सेशन. सो आप लोग कैसे हो जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्त. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है, क्योंकि अभी तक हर सेशन में मैं आपको दो दो टॉपिक लेकर उसके ऊपर से सवाल करवा रहा था. आज कुछ दूसरे सवाल भी करेंगे, जैसा आपको पता है कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, जैसा आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग का कुछ दो तीन सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. और आज ज्यादा सवाल करने वाले हैं दूसरे दिनों से, और मैं आपको आज सवाल देने वाला हूँ मोर देन मीट्स अबाउट यू टुडे, क्योंकि आज मैं आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद सवाल देता जाऊंगा और आपको जल्दी से जल्दी सवाल निपटाना पड़ेगा. सो इन टुडे सेशन बेसिकली आई एम गोइंग टू टेस्टिफाई योर नॉलेज, कि आपका टेस्ट करेंगे हम कि आप इतना दिनों तक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कितना बेहतरीन तरीके से आप सवालों को कर पा रहे हो, ये देखना जरूरी हो जाते हैं. सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम भूमिका, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम शेख उमर, कांशा राठी, वार्म वेलकम शुलोगना, जेनिफर टेलिस, सिमरन जी, मंजू, सुवर्णा, वेलकम वेलकम इन आवर लाइव सेशन. मेरे दोस्तों आपको पता है कि अभी तक जो सवाल कर रहे थे हम, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग उसका परफॉर्मेंस कल भी हमने देखे कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग परफॉर्म कर चुके थे. और मुझे बिल्कुल भरोसा कि आज भी जो सवाल लेकर आया हूं मैं, उन सवालों को भी आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे. बेसिकली आज का सवाल मुझे लगता है इजी ही है, क्योंकि आप ही करने वाले हो मुझसे ज्यादा, आपके ऊपर मैं भरोसा करूंगा, क्योंकि आज का सवाल बहुत इजी है. मुझे बोलने से पहले मैं चाहता हूँ सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं वो इस सवाल का जवाब बता दे. ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम वेलकम. चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन. तो मैं आपको बता दूं, ये तो आपको पता ही है, आप देख चुके हो. इसके आगे जो है मैं अगर कहना चाहता हूं वो है सवाल. एंड सवाल कुछ ऐसा है कि जब भी मैं आपको देने वाला हूं आपको जल्दी से जल्दी करना है. ठीक है, पहला सवाल और सारी के सारे सवाल जो है CSI नेट का है, तो जल्दी से जल्दी आप करिएगा. सारे के सारे सवाल जो है CSI नेट का है, जल्दी से जल्दी आप करिएगा. मैं बस अपेक्षा प्रतीक्षा में रहूंगा कि आप इस सवाल का जवाब बता दो. ठीक है, तो क्या बताया गया है, बताया गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इज ए हिडन नंबर बेस्ड ऑन व्हिच यू शुड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर पिक द करेक्ट आंसर. सो देयर इज अ हिडन नंबर, देयर इज अ हिडन नंबर इन द In the below words, okay, arrange them in descending order, arrange them in descending order. ठीक है, आपको descending order में इसको arrange करना है, तो आप बताइएगा. ठीक है, E में जो है मेरे दोस्त, ई में जो है वो है पेपर्स, सारे के सारे CSI नेट का सवाल है. सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन द थिंग, जेरोक्स, ओके, वाईफाई पैटर्न, वाईफाई पैटर्न yourself ourselves yourself ourselves breaks even जल्दी से बताइएगा who should be the correct answer. बहुत ही इजी सवाल है. एक्चुअली बेसिकली जो मैं आपको करा रहा हूँ ये एक टेस्ट का क्वेश्चन है. तो आई एम गोइंग टू गिव यू द टेस्ट, लिटरली आई एम गोइंग टू गिव यू द टेस्ट, बट PDF यहाँ पे मैं शो नहीं कर सकता हूँ. सो आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन. सो इस टेस्ट में आप कितना मार्क्स करते हो ये मैं देखना चाहता हूँ. HFGE एंड द फोर्थ आंसर शुड बी HEFG. HEFG जल्दी बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या होगा. जल्दी जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब क्या है. जल्दी जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब क्या है मेरे दोस्त. राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स.
Akanksha Rati is saying option 4. I want the answer from each and every one of you. I want the answer from each and every one of you. Please let me know what should be the answer of it. Sivran is saying D, Akanksha is saying D, Jennifer is saying D, Manju is saying D, brilliant, बहुत अच्छी बात है, देखिए आप लोगों ने observe कर लिया, बहुत अच्छी बात है, papers I Xeroxed, ये वाला अगर portion मैं देखूंगा, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे particularly 6 है, ये वाला देखोगे FOUR है, और ये वाला देखोगे FIVE है, और ये वाला देखोगे ACVEN है, Such questions were asked in CSIRNet multiple times. बहुत बार आ चुके हैं ऐसे सवाल. ऐसा नहीं कि अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है. But all these questions, this is a question from test. तो मैं आपको वो test का सवाल आज देने वाला हूँ. तो पहला question जो जो marks मतलब ये कर चुके हो, तो please और please count करिएगा कितना questions आप कर रहे हो. हम point देने वाले हैं. हर सही question के लिए 4 points है. हर सही क्वेश्चन के लिए 4 points है. अगर गलत करोगे तो -1 है. अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे, नो अटेम्प्ट करोगे, तो आपको -2 दिया जाएगा. ठीक है, तो जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हो उनको 4 मिलेगा, जो लोग अटेम्प्ट करके गलती कर रहे हो उसको -1 मिलेगा, जो अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते हो उनको -2 मिलेगा. ठीक है, तो आप काउंट करते जाइए आपको कितना मार्क्स मिलेगा. इस सवाल का जवाब तो क्या हो जाएगा, आपको बताया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब ये थोड़ा बता देता हूं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए, डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग, डिमोलिशिंग, मैं डिमोलिश करना मैं क्या कहता हूं, ऊपर से नीचे तक, डिक्रीजिंग या फिर डिसेंडिंग. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सबसे बड़ा आगे होगा, उसके बाद छोटा, एंड दैट एंड दैट. तो एज आगे आएगा क्योंकि 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, और इसमें 4 है. यानी 7, 6, 5, 4 एज ई एफ जी. एज ई एफ जी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड, एट फर्स्ट आई डिडंट. बस अंडरस्टैंड करना नहीं है जी, आज परफॉर्म भी करना है. मैं बार बार कहता हूं परफॉर्म भी करना है. हमेशा हम सेशन में आएंगे, समझेंगे, वो सिलसिला गया. आपको घर पे मॉक टेस्ट भी देना शुरू करना चाहिए. आपके सब्जेक्ट पे भी आपको जितना समझ है उसी के ऊपर मॉक टेस्ट लगाइए. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके लिए जल्दी जल्दी. देखिए 20 क्वेश्चन है टेस्ट में, मुझे पता नहीं हम खत्म कर पाएंगे कि नहीं, बट ट्राई करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन में बताया गया है कुछ ऐसा. क्या बताया गया है, स्टेटमेंट ए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. स्टेटमेंट ए में बताया गया है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, और स्टेटमेंट बी में बताया गया है, स्टेटमेंट बी में बताया गया है, द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, उसके बाद आपको पूछा गया है कि चूज द करेक्ट इंफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. चूज द करेक्ट इंफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. स्टेटमेंट ए एंड बी आर ऑलवेज ट्रू. स्टेटमेंट ए एंड बी आर ऑलवेज ट्रू. ऑप्शन दो में बताया गया है मेरे दोस्त, स्टेटमेंट ए एंड बी कैन बी ट्रू इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्टेटमेंट बिटवीन. स्टेटमेंट ए एंड बी कैन बी ट्रू
if there is at least one test statement, at least one statement between them, at least one statement between them. ऑप्शन थ्री में बताया गया है स्टेटमेंट ए एंड बी कैन बी ट्रू इफ देयर इज एटलीस्ट टू स्टेटमेंट एटलीस्ट टू स्टेटमेंट्स बिटवीन देम. ठीक है, एटलीस्ट टू स्टेटमेंट बिटवीन देम. स्टेटमेंट ए एंड बी कैन नेवर बी ट्रू. स्टेटमेंट ए एंड बी कैन नेवर बी ट्रू. फोर्थ में बताया गया है ए एंड बी कैन नेवर बी ट्रू. कैन नेवर बी ट्रू. जल्दी से बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या होगा. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन. गुड मॉर्निंग जी. बेसिकली आज आपका एक टेस्ट लिया जा रहा है. इस टेस्ट में ये सेकंड क्वेश्चन है और इस पर्टिकुलर टेस्ट में जितना सवाल आप करेक्ट करोगे हर सवाल के लिए 4 मार्क्स मिलेगा, जितना गलत करोगे उसके लिए -1 और जितना अटेम्प्ट नहीं करोगे उसके लिए -2. ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आ चुके हो मेरे दोस्त. अभी मैं देख पा रहा हूँ आ तो गया है लेकिन हमारे दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किए हैं. लाइक करिएगा जरूर, लेकिन उससे ज्यादा जरूर क्या है, इसमें मार्क्स लेकर आइएगा. सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा. आप देख सकते हो जो अटेम्प्ट नहीं कर रहा है उसके लिए -2 रखा मैंने. तो जो अटेम्प्ट कर रहे हो उनके लिए है 4, जो करेक्ट कर रहे हो उसके लिए 4, जो अटेम्प्ट करके गलत कर रहे हो उसके लिए -1, जो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो उसके लिए -2. सर स्टेटमेंट होगी तो ही तो हम ट्रू और फॉल्स करेंगे, इसीलिए ऑप्शन 3 ही होगा. लेट्स सी, ऑप्शन 3 ही होगा बता रहा है यहाँ पे सिमरन. बाकी स्टूडेंट करिए, मैं आपको 1 मिनट का वक्त देने वाला हूँ हर क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, चाहे मान लो 2 मिनट का वक्त दे देता हूँ, बट करिए. आई वॉन्ट यू पीपल टू सॉल्व. ठीक है, स्टेटमेंट ए में बताया गया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और यहाँ पे बताया गया है द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये एक साथ कैसे हो सकता है. लॉजिकल डिडक्शन का बेहतरीन सवाल है. नीचे बताया गया है स्टेटमेंट ए एंड बी आर ऑलवेज ट्रू. स्टेटमेंट ए एंड बी कैन बी ट्रू इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्टेटमेंट बिटवीन देम, इफ देयर इज एटलीस्ट टू स्टेटमेंट बिटवीन देम, एंड ए एंड बी कैन नेवर बी ट्रू. अच्छा, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ सिमरन ने 3 कही, आकांक्षा ने 3, जेनिफर टेलिस ने 3 और शुलोगना ने 3 कही. सुवर्णा मोशन, वेरी गुड. AGS सर आज क्लास नहीं लूंगी, मुझे कुछ काम है, सॉरी. ओके ओके, फैंटेस्टिक. ईशा जी कह रही है 2, भूमिका सिंह 3, मंजू सिंह 3, मंजू घोष, गणेश 3, वेरी गुड. सो फैंटेस्टिक बात है. देखिए सिंपल बात है, इसका सही जवाब हो जाएगा 3. तो जिन्होंने ही 3 मार्क किया आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं, जिन्होंने 3 के अलावा कुछ और मार्क्स किया तो आपको -1 मिल जाते हैं, और जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको -2 मिलते हैं. क्यों जी? सिंपल बात है, स्टेटमेंट ए जो है उसने कहा कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 ने कहा द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. अब दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता. अब अगर स्टेटमेंट ए कह रहा है नीचे वाला ट्रू, अगर दोनों ही स्टेटमेंट है तो ये ट्रू हो रहा है और ये बता रहा है ये फॉल्स है, तो एक दूसरे को अपोज करेगा. इसके बीच में अगर एक स्टेटमेंट होता है, मानो कोई एक स्टेटमेंट है, तो अगर एक स्टेटमेंट है ऊपर वाले ने कहा कि ये वाला ब्लू स्टेटमेंट सही है, नीचे वाले ने कहा ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता. एक स्टेटमेंट से भी काम नहीं चलेगा. मिनिमम मेरे दोस्त आपके पास 2 स्टेटमेंट बीच में होना चाहिए ताकि एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए और एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए. 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है. अगर 3 रहेगा, मानिए एक स्टेटमेंट ट्रू है एक स्टेटमेंट फॉल्स है, डजंट मैटर. सो आपके पास चाहे ऑप्शन जो भी हो, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट रहने से ये चीज हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है मेरे दोस्त. क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है ब्लड रिलेशनशिप का सवाल. नीलम, सारे सवाल CSI नेट का है, ठीक है. नीलम हु इज रोहित डॉटर, नीलम हु इज रोहित डॉटर
Nilam, who is Rohit's daughter. Nilam, who is Rohit's daughter, says to Indu. क्या लगता है 20 सवाल होगा? Says to Indu, क्या बताया? Your mother Rita is the younger sister of my father. तो ब्लड रिलेशनशिप का सवाल है. younger sister of my father Who is third child of Shohan ji? अच्छा, अभी तक खत्म नहीं हुआ. Who is the third child of Shohan ji? ठीक है, थर्ड चाइल्ड ऑफ शोहान जी. आपको बताया गया है how Shohan ji is related to Hindu. Maternal uncle. आज फील आ रहा है स्कूल जैसा, पुराने दिनों में स्कूल में ब्लैक बोर्ड में लिखने का जो फील है. मैटरनल अंकल दो में बताया गया है. ग्रैंडफादर, ठीक है, तीन में बताया गया है फादर. चार में बताया गया है फादर इन लॉ. जल्दी बताइए क्या होगा, फटाफट से जवाब बताइए. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? कितना क्वेश्चन हो गया? तीन क्वेश्चन हो गया मिष्टी, कोई बात नहीं, जल्दी आ जाइए. टेस्ट की तरह हो रहा है, आपको सही कहना पड़ेगा. सही ढंग से करिए, गलती का जो भी है आप खुद मेजर रखिएगा. अगर गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसका मेजरमेंट खुद रखिए. आई बिलीव ये जो क्वेश्चन है, नीलम हु इज रोहित डॉटर सेज टू इंदू, योर मदर रीता इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ शोहान जी, हाउ शोहान जी इज रिलेटेड टू इंदू. बहुत ही ईजी सवाल है, आसान सवाल है, CSI नेट में पूछा गया था मेरे दोस्त. जल्दी जल्दी कमेंट करिए. बहुत सारे सवाल आए हैं, ज्यादातर ऑप्शन बी यानी टू बताया जा रहा है. बहुत अच्छी बात है, आई एम रियली हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस. नीलम हु इज रोहित डॉटर, तो अगर मानिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, ये रोहित है, उसका डॉटर है नीलम. ठीक है, अब क्या हो गया, ये डॉटर है मानिए, ठीक है, नीलम है रोहित का डॉटर मेरे दोस्त. अब देखिए, सेज टू इंदु, योर मदर रीता इज द यंगर सिस्टर. तो उन्होंने इंदु को कहा, कौन है इंदु, इंदु को कहा कि योर मदर, तो इंदु का मदर है, ठीक है ना, योर मदर रीता, तो इंदु का मदर रीता है, इज द यंगर सिस्टर ऑफ माय फादर. तो रीता रोहित का सिस्टर है. हु इज थर्ड चाइल्ड ऑफ शोहान जी, तो शोहान जी का बेटा बेटी कौन है? शोहान जी का बेटा बेटी रोहित एंड रीता है. शोहान जी का बेटा बेटी रीता एंड सॉरी रोहित एंड रीता है. रोहित एंड रीता अगर बेटा बेटी है, तो इंदु और शोहान जी कैसे रिलेटेड हुआ? ग्रैंडफादर बन गया ना शोहान जी. इतना इजी सवाल डायग्रामेटिक वे से करा दिया. मैंने कहा ना आपको कि जब भी ब्लड रिलेशनशिप का सवाल है, दो तरीका है. एक तो आप डायग्राम सोचकर कर सकते हो, या फिर आप खुद के फैमिली में सोच सकते हो. बट मोस्ट साइंटिफिक इज द डायग्रामेटिक वे. एज यू कैन सॉल्व, मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व वेरी वेरी गुड. ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन. वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर आपके लिए. क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? क्वेश्चन नंबर बताया गया है, फोर गर्ल्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड. फोर गर्ल्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच
Four girls are sitting on a bench. To be photographed. To be photographed. Shikha is the left to Rina. Shikha is to the left of Rina. Shikha is to the left of Rina. ठीक है. Rita is between Rina and Manju. Rita is between Rina and Manju. ठीक है. Manju is to the right of Rina. Rita is between Rina and Manju. ये बता दिया मैंने. Who would be the second from the left in the photograph? Second from the left in the photograph. Option number one, Rina. Option number two, Shikha. Option number three, Manju. Option number four, Rita. करिए बताइए. What should be the correct answer of this? जल्दी बताइए सवाल का सही जवाब क्या होगा. सर रीना क्योंकि शिखा फास्ट पर बैठी हुई है. बिल्कुल. तो इसका सही जवाब आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, अगर ऑप्शन वन आया है बिल्कुल सही है. शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना. याद करिएगा ये जो लेफ्ट राइट का मामला है ना, ये गलती कर बैठते हो आप लोग. लेफ्ट राइट हमेशा आपके मतलब मानिए आप रीना हो, आप अगर बैठे हो इस तरफ देखकर तो आपका लेफ्ट साइड कौन होगा, आपका लेफ्ट साइड उस तरफ होगा. समझ में आ रहा है. सो यू आर सिटिंग लाइक रीना एंड यू आर वॉचिंग इन द फ्रंट. सो बेसिकली योर लेफ्ट विल बी ऑन दैट साइड. सो रीना जो है उसका लेफ्ट में कौन है, शिखा है. ठीक है. अब देख सकते हो रीता इज बिटवीन रीना एंड मंजू. सो इफ देयर इज सम मंजू सो इन बिटवीन देम रीता इज देयर. सो रीता इज देयर इन बिटवीन रीना एंड मंजू. देन बताया गया मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना. एब्सोल्युटली फाइन. मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना. ऑब्वियसली मंजू रीना के राइट में है और रीता रीना और मंजू के बीच में है. इसका मतलब मंजू यहाँ पे है और रीता यहाँ पे है. बिल्कुल सही है. हु वुड बी द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट. फ्रॉम लेफ्ट अगर आप देखोगे दिस विल कम विच इज रीना. So Rina will be the left second from the left and this is absolutely correct. Those who got the answer got 4 marks. Those who are
those who got it differently, मतलब आपको कोई अलग जवाब मिला है, you got minus one marks. अगर कोई attempt नहीं कर रहे हो तो आपको मिला है minus two marks. बस count करते जाइए. This is the fourth question of today. ऐसा बहुत सारे सवाल आज हम करेंगे. जल्दी जल्दी बस आपको सॉल्व करना है मेरे साथ साथ, और कुछ नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर पांच आपके लिए. क्वेश्चन नंबर पांच, फाइव पर्संस ए बी सी डी ई, फाइव पर्संस ए बी सी डी एंड ई फॉर्म अ क्विनी, फॉर्म अ क्यू ई होगा ना, कुछ तो गलत हुआ होगा यहाँ पे. जस्ट वन सेकेंड ना, फाइव पर्सन ए बी सी डी फॉर्म अ क्यू, देन क्या बता रहा है कि सी एंड ई आर नेक्स्ट टू इच अदर, सी एंड ई आर नेक्स्ट टू इच अदर. ए हैज वन पर्सन एड ऑफ हिम, A has one person ahead of him and has at least one person separating him from B. Which of the following statement is certainly true? Which of the following statements is certainly true? A and D are next to each other. A and E are next to each other. D and E are next to each other. B and C are next to each other. करिए. Try to solve this question by yourself. Very, very good. बहुत अच्छा. जल्दी से करिए और बताइए जवाब क्या होगा. Today's session is about you, not me.
दिन हम सवालें करते हैं, समझते हैं, तो आज मैं समझना चाहूंगा कि आप कैसे सवालें कर रहे हो, बताइए। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए कितनी अच्छी बात है ना, आप जब खुद करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, लाइव बैचेस में भी कहता हूँ कि ये सारे सवाल आपको खुद करना है। मैं तो बस एक क्या है, दरिया हूँ जो आपको दिखा सकता हूँ कि सवाल ये है, ये चीजें हैं। जब आप करते हो तब एक्चुअली इफेक्टिव होता है आपके लिए, ठीक है? तो देखिए देखिए कितना अच्छा तरीके से हो रहा है। 5% ABCD फॉर्म है क्यू, सी एंड ई आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो सी और ई नेक्स्ट में होगा। मैं भी करने की कोशिश करता हूँ, मानिए ऐसा है। ए हैज 1% अहेड ऑफ हिम, तो देखिए ए यहाँ पे नहीं हो सकता तो 2% आ जाएगा, तो ए को मस्ट बी इस तरफ होना पड़ेगा। थोड़ा गैप देकर अरेंज करिएगा ताकि ये आपको हेल्प मिले बाद में, ठीक है? अब देख तो सकते हो ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख तो सकते हो ना, बिल्कुल सही। अब बताया गया है ए हैज 1% अहेड ऑफ हिम एंड एस एटलीस्ट 1% सेपरेटिंग हिम फ्रॉम बी, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बी इस तरफ नहीं हो सकता है क्योंकि बी के साथ 1% का डिफरेंस होगा, तो हमेशा बी क्या होगा, इस तरफ होना चाहिए। एटलीस्ट 1% सेपरेटिंग हिम फ्रॉम बी बताया गया है, तो बी यहाँ पे आराम से हो सकता है, 2% हो जाएगा। अब देखिए क्या बताया गया है, Which of the following statement is certainly true? इसके अलावा कौन है, ए बी सी डी ई, सिर्फ डी भाई साहब बचे हुए हैं, तो डी मस्ट भी यहाँ पे होगा क्योंकि 1% ahead of him है। तो देखिए ये अरेंजमेंट आ चुका है, आपको बताया गया है Which of the following statement is certainly true? So A and D are next to each other. लेकिन एक बात ध्यान पे रखिएगा मेरे दोस्त कि ये जो अरेंजमेंट हुआ है ना, इसके अलावा क्या और कोई अरेंजमेंट हो सकता है? आप देखिए इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट हो सकता है? देखिए इसके अलावा और अरेंजमेंट होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि डी के आगे एक आदमी तो होना ही चाहिए। ए के आगे ए हैज 1% अहेड ऑफ हिम, ए बी सी डी ई के अलावा और कुछ नहीं है। सी और ई एक साथ हो सकता है, ई और सी यहाँ पे हो सकता है, ई यहाँ पे सी यहाँ पे, इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट नहीं बन सकता है। तो एनीवे एवरीबॉडी गॉट द आंसर, दैट्स ब्यूटीफुल, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम CSIR नेट। तो देखिए कितना बेहतरीन बात है, ये 5 क्वेश्चन में से 5 ही करेक्ट किस किस को हुआ है बताइए। तो 5 out of 5 कौन कौन स्कोर कर चुके हो, यानी 20 मार्क्स 5 ही क्वेश्चन करेक्ट कौन कर चुके हो, प्लीज और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। सिमरन जी बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। 5 out of 5 questions कौन कौन कर चुके हो, कौन कौन 5 out of 5 questions कर चुके हो, जल्दी कमेंट करके बताइए। सुवर्णा वेरी गुड, सर मैंने 2 ही किया है, लेट आई हूं, कोई बात नहीं। श्वेता वेरी गुड, वेरी वेरी गुड श्वेता। जेनिफर यस वेरी गुड, ओके गुड गुड इनफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजू गणेश बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे वाला सवाल जो है ये है एज प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है एज प्रॉब्लम, द डिफरेंस इन द एज ऑफ टू पीपल, द डिफरेंस इन द एज ऑफ, द डिफरेंस इन द एज ऑफ टू पीपल, द डिफरेंस इन द एज ऑफ टू पीपल, द डिफरेंस इन द एज ऑफ टू पीपल इज 20। इफ 5 years ago द एल्डर वन ऑफ द टू, इफ 5 years ago, the elder one of the two was 5 times older
Five times as old as the younger one. Then their present ages are equal to. Present ages are equal to. ऑप्शन बी कह रहे हैं सारे स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए मैं बार बार कहता हूँ इन सारे सवाल को करने के लिए, स्पेशली जो एज प्रॉब्लम्स होते हैं, एज प्रॉब्लम्स को करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एज प्रॉब्लम को करने के लिए मेरे दोस्त आपको ऑप्शन से सोचना मेथड सोचना चाहिए। चाहे कभी भी कोई भी एज प्रॉब्लम आ जाए, आप ऑप्शन से सोचोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन से सोचना मतलब सर यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शन है, चारों ऑप्शन से पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे बताया गया द डिफरेंस इन द एज ऑफ टू पीपल इज 20, ठीक है? तो देखो 20 और 30 के बीच में तो 10 का डिफरेंस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? 32 और 22 के बीच में 10 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस है, बी है और सी है। मानो आप सी पकड़ लेते हो, द डिफरेंस 20 है, तो ये सेटिस्फाई करते हैं। इफ 5 इयर्स एगो द एल्डर वन, 5 इयर्स एगो ये क्या था, 10 था, 5 इयर्स एगो ये क्या था, 30 था। द एल्डर वन ऑफ द टू वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन, तो ये 3 गुना था, 5 गुना नहीं था, तो ये नहीं होगा। 5 साल पहले ये था 5, ये था 25 और ये था 5, तो बन गया ना 5 गुना, सिंपल बात है। तो आंसर आ गया, दैट्स इट। इतना इजी सवाल, और इस सवाल में कुछ भी दिक्कतें होना नहीं चाहिए। बहुत ही आसान सवाल था मेरे दोस्त, और आसान सवाल से ऊपर है ये मेथड। जब भी कोई एज प्रॉब्लम होता था स्कूल लाइफ में, आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करके करते थे। मैं मेरे स्टूडेंट को कहता हूँ, जो मैं हमारे पढ़ चुके हो आप, अगर मेरे लेक्चर अटेंड कर चुके हो तो आपको पता है कि कोई भी एज प्रॉब्लम्स को हम ऐसे करते हैं, ऑप्शन से पकड़ के कर सकते हो, ठीक है? तो एमसीक्यू एग्जाम्स के लिए एज प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व मत करिएगा। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन बी। वेरी गुड, ये 6th सवाल था, और मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट ने सही भी कर लिया। मेरे दोस्त ये है PYQ डिस्कशन कोर्स, जिसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी मैं पब्लिश कर चुका हूँ। आई होप दिनेश सर ने भी एक वीडियो बनाए होंगे, ये थोड़ा देख लीजिएगा, इसके बारे में कल भी बताया मैंने। तो PYQ डिस्कशन कोर्स, जिसको लगता है कि आप इसको अवेल कर सकते हो। बट एक बात ध्यान रखिएगा, PYQ ना बहुत सारे हैं ना, 2010 से शुरू हुआ है, 2022 तक, अगर मैं कहूँ 2022 सितंबर तक है, हर साल दो दो सवाल। मेरा एक बात ध्यान दीजिएगा, आप जब घर पे भी प्रैक्टिस करते हो, 2022 से शुरू करोगे, 2010 तक आओगे,
पीछे से शुरू करोगे, आगे से करके टाइम बर्बाद मत करिएगा, पीछे से शुरू करिए। 2014 तक करोगे काफी है, 2014 तक करोगे वो अलग बात है कि हम लोगों ने सारी चीज रिकॉर्ड किया, जितना तक था वो सारी चीज रिकॉर्ड किया। लेकिन अगर मेरे बात मानते हो आप, आपको बस 2014 तक ही करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और सवाल को लगाते हैं, सवाल करते हैं, ठीक है ना, सवाल करते हैं। सवाल करने के लिए सवाल है क्या, फिर से एक एज प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 बताया गया है, 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले, द एज ऑफ ए पर्सन्स मदर, द एज ऑफ ए पर्सन्स मदर, एज ऑफ ए पर्सन्स मदर वाज थ्री टाइम्स एज ऑफ हर सन, टेन ईयर्स हेंस the mother's age will be two times the age of her son. The ratio of their present ages, the ratio of their present ages are equal to, are equal to शंभू शर्मा आर यू फ्रॉम मैथमेटिक्स, मोहन महाराज का पिक्चर आप लगा के रखे हो, शंभू शर्मा आर यू फ्रॉम मैथमेटिक्स, कहां से हो आप,
यू आर फ्रॉम विच प्लेस शंभू शर्मा? यस सर, आप कहाँ से हो? आपको मोहन महाराज के बारे में क्या पता है? आपको पता है मैं मास्टर डिग्री में सर से पढ़ता था, वेस्ट बंगाल सर। अच्छा, जब मैं बेलूर में मास्टर्स कर रहा था सर वॉज देयर, अभी TIFR मुंबई में है। सो आई यूज टू अटेंड द क्लासेस ऑफ मोहन एम जे। ओके, आई लर्न मैथमेटिक्स फ्रॉम हिम। तो इसीलिए आपका देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। एनीवे, सो बताइए इस सवाल का जवाब क्या है? ज्योमेट्रिक टोपोलॉजी ग्रुप का सेंटर लेकर बहुत बात करना पसंद था सर। बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ इट? तो कैसे करना है आपको, देखिए ये जो सवाल है इसमें आप वो नहीं कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन से नहीं सोच सकते हो, लेकिन दिमाग लगा सकते हो। दिमाग तो है ना सबके पास। अभी 10 साल पहले द एज ऑफ पर्सन मदर वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। बहुत अच्छी बात है। 10 ईयर हेंस द मदर्स एज विल बी 2 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस आर इक्वल टू। बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट 3 स्केल बनाएंगे प्रेजेंट। अच्छा पहले आप लोग तो ट्राई किया ना, आप लोगों ने ट्राई कर लिया, आपका जवाब आ गया शायद। माई आइडियल सर, यस। वैसे बनने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ अलग होना पड़ता है, ठीक है। उन्होंने शन्नास लिया था जस्ट टू डू मैथमेटिक्स। ओके, तो यू कैन इमेजिन द मैडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 ईयर्स एगो द एज ऑफ ए पर्सन मदर वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। तो 10 साल पहले, पीछे चले जाओ, आगे चले जाओ। द एज ऑफ द पर्सन मदर वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। तो मानो ये माता जी है, ये बेटा है। ओके, 10 ईयर्स हेंस द मदर्स एज विल बी 2 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस आर इक्वल टू। क्या कर सकते हैं हम, बताइए क्या ही कर सकते हैं? कुछ करने का मौका है, कुछ अनोखा करने का मौका है, कुछ अनोखा करने का मौका है मेरे दोस्त। तो देखिए सन का उम्र जो है 3 टाइम्स द एज ऑफ अवर सन है। तो माता जी का उम्र मानिए सन का जो है, इसका ये है प्रेजेंट। क्या होगा, 3x+10, x+10 और 20 साल के, 10 साल के बाद क्या होगा, 3x+20। ये क्या होगा, x+20। क्या बताया गया है कि 3x+20 द मदर्स एज विल बी 2 टाइम्स द एज ऑफ अवर सन। तो ये इक्वल क्या होगा, 2x20। तो क्या होगा, 3x+20 दैट इज इक्वल टू x+40, यानी कि 3x-2x यानी x हो जाएगा 20। x का वैल्यू अगर 20 है, क्या पूछा गया है, प्रेजेंट एज। तो 20 × 3+10 70, 20 + 10 30। तो रेशियो क्या होगा, 7:3 होगा। ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा, 7:3 होगा। सर ऑप्शन से भी कर सकते हैं आकांक्षा राठी। ऑप्शन से कैसे किया आपने? ऑप्शन से अगर 7:3 रेशियो है, इट कैन बी 21:9 ऑल्सो, इट कैन बी 70:30 ऑल्सो। विच ऑप्शन यू आर गोइंग टू टेक, हाउ यू आर गोइंग टू टेक, हाउ यू आर गोइंग टू टेक? आकांक्षा बताइए मुझे हाउ यू आर गोइंग टू टेक। कैसे करोगे? हाँ, 70 और 30 तो पर्टिकुलर केस है, वो अलग बात है। एनीवे, मुझे नहीं लगता ये सवाल कर सकते हो, ये एग्जाम में भी नहीं आया था शायद, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। तो जितना मुझे याद है CSI ने नहीं पूछा था। मोस्टली द एग्जाम्स क्वेश्चन कैन बी डन ऑप्शन से। एग्जाम में जितना भी आज तक के हिस्ट्री में जितना भी
सवाल आए हैं एज प्रॉब्लम्स का, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल होता है। इसमें कुछ खास बात नहीं है, इसमें सिर्फ कंडीशन लगाया गया है, कंडीशन लगा के घुमाया गया है। तो आपको रेशियो पूछा गया है, आप इससे कर सकते हो, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम एट ऑल। बट व्हाट वी आर ट्राइंग, ऑलवेज वी ट्राई टू फाइंड समथिंग इनोवेटिव। ठीक है, अगर आप जैसा मैं एवरेज पढ़ाता हूँ, आप अगर अटेंड कर चुके हो, वाओ मेथड नाम है एक मेथड का, हमारे स्टूडेंट ने उस मेथड का नाम दिया। क्यों? ना तो मैंने कहा से देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये मैंने पता है जो जिसको पता है, आई वर्क इन डिफरेंट सेक्टर्स, IIT JEE का मैथ कराया सब कुछ, बट एप्टीट्यूड पढ़ाने के लिए जब मैं IFS में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा इस जर्नी में। द बेस्ट पार्ट वाज यू नो व्हाट, इनोवेशन। बहुत सारे मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम जो बेसिक मैथ्स है, स्कूल लेवल का मैथ्स है, बट मुझे खुद भी पता नहीं था मास्टर्स करने के बाद कि ऐसे करते करते इनको ऐसे किया जा सकता है। बट जब मैं प्रोफेशनली पढ़ाने लगा, देन आई रियलाइज्ड, आई अंडरस्टूड, आई डिस्कवर्ड फ्यू ऑफ द वेज इन परसेंटेज, इन एवरेज एंड स्टैटिस्टिक। इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो एनी वे, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं और देख लेते हैं सवाल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है, अ मैन हैज, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये CSI नेट पे आया है। ठीक है, a man has rupees 480 in the denominations of 1 rupee notes, in the denominations of 1 rupee notes, 5 rupee notes, 5 rupee notes, ओके, एंड 10 rupee notes। ये बहुत ही प्यारा सवाल है। द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, द नंबर ऑफ नोट्स In each denomination, number of note in each denominations, in each denomination is equal. ठीक है, what is the total number of notes that he has, बताइए। A man has 480 in the denominations of 1 rupee notes, 5 rupee notes and 10 rupee notes. The number of notes in each denomination is equal. What is the total number of note he has? बहुत इजी सवाल है। Fantastic, fantastic. बहुत ही आसान सवाल है, सोचिए सोचिए।
Are you sure? Sixty. Right. वेरी वेरी गुड, वेरी गुड. प्रॉब्लम इस, आपने कैसे सोचा एक्स पकड़ के, किसने किसने कहा, किसने किसने ऐसे किया कि लेट द नंबर ऑफ वन रुपी नोट इज एक्स, लेट द नंबर ऑफ टेन रुपी नोट इज एक्स, लेट द नंबर ऑफ फाइव रुपी नोट इज एक्स. ऐसे किया ना आप लोगों ने, एक्स पकड़ के किया होगा आपने. सिमरन आपने किया, बहुत अच्छी बात है. सबने एक्स पकड़ के किया होगा, हाँ या ना, राइट? सबने वैसे ही किया होगा. ओके. और कोई तरीका, किसी ने और कुछ अपनाया? आकांक्षा इज सेइंग नो, यस सर, मी टू. और कोई तरीका, देखो बताया गया है मैन हैज 418 द डिनोमिनेशन ऑफ वन रुपी नोट, फाइव रुपी नोट एंड टेन रुपी नोट. अभी के लिए मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं. हो सकता है और कुछ बेहतर सोच पाएंगे आप, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एक टेन रुपी का नोट है, पांच रुपए का नोट है और एक रुपए का नोट है, जो भी है इक्वल नंबर पे है. टोटल मिलाकर जो आते हैं 480 रुपए आते हैं. अब देखिए मेरे दो प्यारे दोस्तों, जितना नंबर का 10 रुपए का नोट है उतना ही नंबर का 5 रुपए का नोट है, उतना ही नंबर का 1 रुपए का नोट है. हम क्या करेंगे, इस बंडल से एक 10 रुपए का नोट लेंगे, इस बंडल से एक 5 रुपए का नोट लेंगे और उस बंडल से एक 1 रुपए का कॉइन लेंगे. तीनों को एक साथ बांध के रखेंगे. तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, ये जो ट्रिपलेट का एक कॉम्बिनेशन बना, 10 प्लस 5 प्लस 1 16 रुपए का, तो ऐसा बहुत सारे ट्रिपलेट आएगा, हाँ या ना? जितना आएगा उतना नोट्स है, समझ में आ रहा है आपको, हाँ या ना बताओ? ये जो 10 रुपए है, 5 रुपए और 1 रुपए को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बना ट्रिपलेट का, यानी 16 रुपए का कॉम्बिनेशन बना, यही बार बार आएगा. अगर आप इसको जोड़ते जाओगे तो इंटीजर में आपको मिलेगा ये नंबर. तो आपको कितने ऐसे बंडल्स मिलेंगे, कितने ऐसे बंडल्स मिलेंगे, उन बंडल्स में जितना 10 रुपीस रहेगा, अगर मानिए 10 बंडल्स मिल रहा है तो 10 10 रुपीस है, 10 5 रुपए और 10 1 रुपए है, तो कितने बंडल्स मिलेंगे यही आपको ढूंढना है. तो सिंपल बात है, 10 5 और 1 हर बंडल में 16 रुपए है, टोटल 480 रुपए है. 480 रुपए को 16 रुपए का बंडल में तोड़ने के लिए आपको 30 बंडल्स चाहिए. 30 बंडल्स अगर रहेगा तो हर बंडल्स में यू कैन गेट 30 टेन्स, हर बंडल्स में यू कैन गेट 35, मतलब हर बंडल में एक एक रहेगा, तो 30 बंडल में 30 टेन्स, 35 और 31 रहेगा, कुल मिलाकर 90 नोट्स हो जाएगा. समझ में आ रहा है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 90. सो दिस इज ब्यूटिफुल, राइट? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? क्लियर है ना? बढ़िया है, मजा आया. क्वेश्चन नंबर 9. A person divides his buffaloes. A person divides its buffaloes among his four children. Among his four children. बहुत ही प्यारा सवाल है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है. अ पर्सन डिवाइड्स हिज बफेलोस, अ पर्सन डिवाइड्स हिज बफेलोस अमंग हिज फोर चिल्ड्रन सो दैट फर्स्ट वन गेट, सो दैट
so that the first one gets, so that the first one gets one half the third, one half the herd, one half the herd. A second one one fourth, a third one, 1 feet, one fifth, and the fourth one, and the fourth one seven buffaloes. Then how many buffaloes did the person have? Then how many buffaloes? How many buffaloes did the person have? A person divides his buffaloes among his four children so that the first one gets one half the herd. Herd means the total collection, the, you know, the bunch of this buffaloes. Okay, so we call them herd, H-E-R-D. A second one, 1/4, a third one, 1/5, and the fourth one, seven buffaloes. Then how many buffaloes did the person have? वेरी वेरी गुड, ब्रिलियंट। आप लोगों ने कैसे किया कमेंट करके दिखाइए, आपका कमेंट मैं देख सकता हूं, पढ़ भी सकता हूं। आप लोगों ने कैसे किया कमेंट करके बताइए, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स हाउ यू हैव सॉल्व इट फ्रॉम ऑप्शन सुलग्न सरकार, ब्रिलियंट। इट इज अ वेरी वेरी वेल अंडरस्टूड मेथड कि ऑप्शन से सोचना मेथड। आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट इट, सो ऑप्ट दे जनरली ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सर ऑप्शन से मेथड से किया है हम, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया आपने, ठीक है। ऑप्शन से कर सकते हो आप, क्या पर्सन डिवाइड इज बाफेलोज अमंग द फोर चिल्ड्रन सो दैट द फर्स्ट वन गेट्स वन हाफ द हार्ट। तो क्या क्या फ्रैक्शन आ रहा है थोड़ा अगर नंबर के माध्यम से आप लिख लेते हो, तो फर्स्ट वन गेट हाफ, सेकेंड वन गेट 1/4, थर्ड वन गेट 1/5, और उसके बाद सात बाफेलोज रह गया। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है, आप देख सकते हो 1/2, 1/4, 1/5, 7। तो माय फ्रेंड सिंपल बात है, आप एक काम कर सकते हो ऑप्शन से कि इससे डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हो कि रह जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली ऑप्शन में अप्लाई कर सकते हो। तो 1/2, 1/4, 1/5 ऑफ 60 कर सकते हो। 1/2 ऑफ 60 क्या होगा 30, 1/4 ऑफ 60 क्या होगा 15, 30 प्लस 15 45, 1/5 ऑफ 60 क्या होगा 20। तो क्या हो गया, इन तीनों को मिलाकर इसको क्रॉस करके चला जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, या ना समझ में आ रहा है,
ऑप्शन से अगर करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। 100 पकड़ के करोगे, हाफ ऑफ 100 50, 1/4 ऑफ 100 75, 25 और चला गया, और 20 लोगे तो क्या होगा, 95, 5 रह जाएगा, 7 रहना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। 120 ले लोगे आप, 1/2 ऑफ 120 60, 1/4 ऑफ 120 30, 90 आ गया, 1/5 ऑफ 120 24, तो 90 प्लस 24 अगर आप करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट, तो ये तो हो रहा है ना, क्या कर रहे हो, देखिए तो 1/2 ऑफ 120 मतलब 60, 1/4 ऑफ 120 यानी 30, 90 हो गया, और 1/5 ऑफ 120 क्या आता है, 5 टू 10 20, 24, तो 90 प्लस 24 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 90 प्लस 24 114 होगा, 114 और बाकी 7 रह जाएगा, तो आंसर तो 120 होगा। 140 क्यों कह रहे हो आप लोग, ऑप्शन 4 कहा तो 120 क्यों हो रहा है, दोनों में तो ऑप्शन से तो दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है। हाफ ऑफ 120 60, 1/2 मतलब 60, और 1/4 मतलब 30, 60 प्लस 30 90, उसके बाद 1/5, 90 प्लस 24, तो आप लोग जो ऑप्शन से कर रहे हो तो आप 120 क्यों नहीं लेना चाहते हो, 120 भी तो हो रहा है ना आपके ऑप्शन में, 140 देख लेता हूं, हाफ ऑफ 140 दैट इज 70, 1/4 ऑफ 140 यानी 4 3 12 35, तो 70 प्लस 35 105, और 1/5 ऑफ 140, 5 टू 10 28, 35 प्लस 28 सो 105 प्लस 28 133, सो 120 एंड 140 दोनों ही ऑप्शन तो हो रहा है जी। हाँ सर 140 हो रहा है, ओ हो, राइट शुलोगना, थैंक यू सो मच, मैं क्यों साथ साथ कह रहा था, 120 माइनस 114 तो 6 होगा, फिर क्यों 7 7 कर रहा था मैं, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 3 भी नहीं हो सकता, ऑप्शन 4 हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड, बट आई सजेस्ट ऑल्सो वन मोर मेथड जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, जो मैं इस फ्रैक्शन के माध्यम से करूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ देख रही है, एक तो है ऑप्शन से आपका ऑप्शन 4 आएगा, और क्या कर सकते हो आप, फ्रैक्शन लिखिए, 1/3 है, 1/4 है, और 1/5 है, यही तो है ना, और 7 बाकी रह जाएगा। देखो 5 4 और 2 का एलसीएम, ऐसा एक टोटल नंबर ले लो जिसको 2 4 और 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 4 और 5 ये तीनों का एलसीएम अगर आप करोगे तो 20 आएगा, तो हम टोटल को 20 पकड़ लेंगे, टोटल अगर 20 पकड़ लोगे तो हाफ ऑफ 20 यानी 10 आएगा, 1/4 ऑफ 20 यानी 5 आएगा, 1/5 ऑफ 20 यानी 4 आएगा, 10 प्लस 5 15 प्लस 4 19, 19 रह जाएगा मेरे दोस्त, बाकी कितना है, एक कम है, तो टोटल आपने क्या पकड़ लिया, 20 पकड़ लिया, या आपका अजम्पशन है, ये एक्चुअल वर्शन नहीं है, आपके अजम्पशन में टोटलिटी 20 है, जो बाकी रह जाते हैं वो एक है, आपको बताया जाता है जो बाकी रह जाते हैं वो 7 है, वो उनके वर्शन का स्टोरी है, जो आपके लैंग्वेज में एक है उनके लैंग्वेज में 7 है, यानी जो आपके लैंग्वेज में 20 है उनके लैंग्वेज में 140 है, स्टोरी खत्म। समझ में आया, प्लीज और प्लीज मुझे बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, जो आपके लैंग्वेज में एक है उनके लैंग्वेज में 7 है, जो आपके लैंग्वेज में 7 20 होगा उनके लैंग्वेज में 140 होगा, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू आर नॉट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू आर नॉट, हाँ या ना बताइए, डन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ
करिए इस सवाल को करिए. सुबर्णा इज सेइंग 2400, शंभु इज सेइंग टू सी 2400. द प्राइस ऑफ टू शूट्स एंड फोर शर्ट्स. आई नीड इनोवेशन. कोई बेहतरीन टेक्निक से बताइएगा प्लीज. एक स्वाइप पकड़ के तो कोई भी कर सकता है. 2x प्लस 4y इक्वल टू 1600, ये सब करना तो आसान है. कुछ और किए होंगे तो बताइएगा जरूर. कुछ और किए होंगे तो बताइएगा जरूर. कुछ और किए होंगे तो बताइएगा जरूर. हैव यू सॉल्व विथ एक्स एंड वाइड. रुपीस लेकर किए हैं सर. क्या रुपीस लेकर किए हो आप? क्या रुपीस लेकर किए हो आप? कुछ बेहतरीन है आपके पास? कुछ बेहतरीन है आपके पास? चलो मैं दिखाता हूं. और एक ब्यूटी मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं आपको दिखाता हूं. ठीक है, क्या ब्यूटी है यहां पे देखिए. सो व्हाट ब्यूटी वी कैन शो. मुझे लग रहा है स्क्रीन फिर से स्टॉप हो गया है. जस्ट वन मिनट. So what kind of beauty, what kind of beauty we can get from here? Sir, price of two shirt, very good. Asma Jafar Abadi, that's the beauty. Aage bariye Asma ji. Sorry, am I reading properly? Asma. Asma ji, aage bariye, bilkul sahi kiya aapne. Theek hai? तो देखिए सिंपल बात है ना, दो सूट और फोर शर्ट का जो प्राइस है, एक सूट और छह शर्ट का वही प्राइस है. तो दो शूट प्लस चार शर्ट का जो प्राइस है दैट इज इक्वल एक शूट और छह शर्ट का वही प्राइस है. सिंपल बात है, मतलब सर एक शूट का जो प्राइस है दो शर्ट का वही प्राइस है. मतलब सर दो शूट और चार शर्ट, चार शर्ट मतलब क्या बन जाएगा? दो सूट्स बन जाएगा. आया ना? क्या चाहिए आपको? शर्ट्स खरीदना है. सॉरी, आपको शर्ट्स खरीदना है जी, आपको शर्ट्स खरीदना है. तो शूट को बदलो. तो दो शूट यानी चार शर्ट. यस और नो बताइए. आया ना? तो यहां पे देखिए, एक शूट यानी दो शर्ट. ये देखिए, ये बहुत प्यारा है. एक शूट यानी दो शर्ट. तो ये वाला ऑप्शन देखो, छह शर्ट और दो शर्ट मिलाकर क्या होता है? ठीक है ना, छह शर्ट और दो शर्ट मिलाकर क्या होता है? छह शर्ट और दो शर्ट आठ शर्ट होते हैं. आठ शर्ट का प्राइस 1600 है, तो एक शर्ट का प्राइस क्या होगा? 200 होगा. तो 12 शर्ट का प्राइस क्या होगा? 2400. डन है, सिंपल. शंभू इज सेइंग टू शर्ट फोर शर्ट 1600, वन शूट डिक्रीज देन टू मोर शर्ट. वेरी गुड, दैट्स द ब्यूटी. ठीक है, आसमा जी ने बिल्कुल सही कहा. एक शर्ट का जो है, एक सूट, सूट चाहिए ही नहीं आपको, 12 शर्ट चाहिए. एक सूट और दो शर्ट है. एक सूट यानी दो शर्ट मतलब आठ शर्ट का दाम है 1600 रुपए, एक शर्ट का 200. और मतलब ये देखना पड़ेगा, ये तो मैंने लिखा, लेकिन उससे पहले मैंने देखा ना इमेजिनेशन में. विदाउट राइटिंग यू कैन सॉल्व इट. आपने क्या देखा? एक सूट
वहां पे डाला आपने, तो एक शूट बन गया 2 शॉट, एक शूट 2 शॉट मतलब 8 शॉट 1600, यानी 1 शॉट 200, यानी 12 शॉट 2400। तो आप अगर आंखों में ये देख पा रहे हो तो मतलब क्या है, तो अलग बात है ना। समझ में आ गया आपको? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा अच्छा सवाल है तो करेंगे, नहीं तो बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ खास है? हाँ जी खास है। चलो तो 11 नंबर क्वेश्चन पे हम एंड करेंगे आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड, अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड्स, अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड्स, ओके, एट अ सर्टेन परसेंटेज ओवर हिज कॉस्ट प्राइस, एट अ सर्टेन परसेंटेज। At a certain percentage over the cost price, over the cost price, ठीक है, and then gives, and then gives a 30% discount, thereby making 5% profit, thereby making 30%? करिए।
दो तीन सवाल का जवाब आए हैं अभी तक, दो तीन जवाब आए हैं अभी तक। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा जी, अब इस सवाल के बारे में कहिए क्या किया जाए, इस सवाल के बारे में कहिए क्या किया जाए। ठीक है, इस सवाल के बारे में सही है। अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट ए सर्टेन परसेंटेज ओवर द कॉस्ट प्राइस एंड देन गिव्स अ 30% डिस्काउंट देयर बाय मेकिंग अ 50% प्रॉफिट, व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज। नाउ प्रॉब्लम ये है कि आप इस सवाल को करोगे कैसे। अगर 1% पकड़ ले तो मार्कअप परसेंटेज को बहुत बोरिंग तरीके से आप सॉल्व करते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर इंटरेस्टिंग तरीके से करना है तो कॉस्ट प्राइस को 100 पकड़ना चाहिए, क्योंकि सर कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही सारे मार्कअप परसेंटेज वगैरह सब लगाएंगे हम। तो अगर कॉस्ट प्राइस को 100 पकड़ लेंगे, मुश्किल ये है आपको ये पता नहीं कि मार्कअप परसेंटेज है कितना। 100 को बढ़ाकर कुछ करेंगे, उससे फिर 30% डिस्काउंट देंगे, राइट। तो अगर हम मार्कअप परसेंटेज पता नहीं है तो क्या उपाय है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सोच नहीं पाते सर मार्कअप परसेंटेज क्या ले लूं। अरे यार ऑप्शन में गिवन है ना, तो मार्कअप परसेंटेज मान लीजिए पहले 20% लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन वन है 20%, सीपी है 100, अगर मार्कअप परसेंटेज है 20% तो ये बनता है 120। ठीक है, अगर मार्कअप परसेंटेज है ये तो ये बनता है कितना, ये बनता है 120। तो 120 होने के बाद 30% डिस्काउंट होगा, तो 120 से अगर आप 30% डिस्काउंट दोगे क्या होता है 36, 312 का 36 एंड दैट्स एनफ। 36 करके क्या आएगा आपका, जो भी आएगा आने दीजिए, क्या आएगा 36 करके आपका आ जाएगा 84, राइट। 84 आ जाने के बाद अगर आप देखोगे देयर बाय मेकिंग अ 5% प्रॉफिट, प्रॉफिट हो ही ना रहा है, 100 के नीचे चला गया, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है ना। So ultimately this cannot be the answer. 25% पकड़ लोगे तो 100 क्या बनेगा, 100 बनेगा 125, 125 100 बनेगा, सॉरी 25% अगर पकड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, 100 बनेगा 125, और 125 में से अगर आप 30% डिस्काउंट दोगे तो फिर से आप देख सकते हो ऑब्वियसली इट विल बी मोर देन 25, क्योंकि 100 का ही 30% 30 होता है, 125 का 30% और ज्यादा होगा, 100 के नीचे आएगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा है। 30% अगर पकड़ लेते हो आप तो ऑब्वियसली 100 जो है वो बना देगा आपको 130, 130 में से अगर आपको डिस्काउंट देना है 30% तो 39 डिस्काउंट हो जाएगा, फिर से आप देख सकते हो 100 से कम हो जाएगा तो प्रॉफिट नहीं लॉस होगा मेरे दोस्त। So the only idea is 50%. If you have 100 rupees,
100 में से अगर आप 50% मार्क का परसेंटेज लगाओगे तो 150 होगा, उसके ऊपर 30% डिस्काउंट दोगे तो बस 5% ही मुनाफा होगा। अब देखो 5% प्रॉफिट हुआ है, तो जिनको मैथमेटिक्स आता नहीं है वो क्या सोचेगा, ये बार बार स्टक हो जाता है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। आई डोंट नो व्हाई बट इट गॉट स्टक समटाइम्स, सो आई बिलीव इट विल वर्क नाउ, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर 100 से 50% ज्यादा होता है तो 150 बनेगा, और उससे अब देखिए कोई किसी को अगर मैथ्स का अवेयरनेस नहीं है तो वो दुकानदार क्या सोचेगा कि मैं 50% दाम बढ़ा के लिख लूं, उसके बाद 30% डिस्काउंट दे दूं, कैलकुलेटर में दबाएंगे और उनको लगेगा मेरा 20 रुपए प्रॉफिट होगा 100 में। समझ में आ रहा है ना आपको, 100 रुपए प्राइस है, उन्होंने 150 लिख लिया और लिखने के बाद वो 30% डिस्काउंट दे रहा है और वो कहाँ पे दबा रहे हैं, वो कैलकुलेटर पे दबा रहे हैं। कैलकुलेटर इसीलिए इडियट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, कॉमन लोग को ये मिसगाइड कर सकता है। कैलकुलेटर में वो 0.3 दबा देगा या 0.7 से मल्टीप्लाई कर देगा, किसी से मैकेनिकली सीख लेगा और उनको लगेगा वो जो इस पैसे में सेल कर रहा है उनको अल्टीमेटली 20% मुनाफा हो रहा है, लेकिन हालांकि है नहीं, 5% ही मुनाफा होगा। अगर कोई ऐसा करता है 50% ज्यादा करके 30% लॉस पे 30% डिस्काउंट देता है तो उसको बस और बस 5% का ही मुनाफा होता है। और बिलीव मी, ये गलती सब करते हैं, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, एडुकेटेड लोग करते हैं ये, आपको विश्वास नहीं होगा। 100 50% ज्यादा हुआ, उससे 30% कम हुआ, एडुकेटेड लोग भी कह देगा सर 20% का मुनाफा हुआ। समझ में आ रहा है आपको, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने सही कहा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 50%। सो थैंक यू सो मच माई फ्रेंड, आई बिलीव यू गॉट द आइडिया, ये चीज आपको समझ में आ गया कि 50% ज्यादा करके अगर 30% डिस्काउंट दोगे आप तो ये आ जाएगा। तो anyway, इनोवेटिव तरीके से सवाल को सोचते रहिए हमेशा, ये अगर जैसा माइंड है, माइंड में जो सोचने का पार्ट है, पोर्शन है, वेर यू थिंक, नॉट जस्ट रेसिप्रोकेट और नॉट जस्ट रिप्लीकेट। ओके, मोस्टली वी जस्ट रिप्लीकेट। एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स है, उसमें देखा गया है वी जस्ट 95% ऑफ द वर्क वी आर डूइंग लाइक यस्टरडे। So most of the people are doing the repetitive work. They are not doing something new. And they are the slave of the time. So aapko, you are a youth, so what you have to do? Aapko naya cheez sochna hai. Aapko every time you face a particular question, try to do it in an innovative way. Try to do something in your own way. Thank you so much, my friend. Goodbye, take care, all the best. Let's meet tomorrow at 11 AM in this particular channel. कल से फिर से वैसा ही होगा, मैं एक सवाल लेकर आऊंगा 8-10 जो सवाल CSIR नेट के होने वाले हैं और आप सॉल्व करोगे। आज टेस्ट कैसा गया कमेंट करके बताइएगा, आज टेस्ट कैसा गया कमेंट करके बताइएगा, कितना सवाल कर पाए हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन में 8-7 से 9 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं, जो देखकर मैं बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, सारे सवाल सॉल्व किए सर, आज टेस्ट अच्छा गया सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। आसमा, आपने भी बहुत अच्छा सोचा, यू डू हैव ए गुड क्वालिटी, मेंटेन दिस, कीप सेल्फ बिलीव, कीप सेल्फ फेथ। ओके, सो एनीवे थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, लेट्स मीट टुमारो एट 11, गुड बाय। बहुत अच्छा सुलोगना, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये आसमा आपका पहला क्लास है, मुझे समझ में आया, आपका सब्जेक्ट क्या है और आप कहाँ से हो, यू आर फ्रॉम व्हिच प्लेस और आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है और आप कहाँ से हो। पहला क्लास में ही आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कमेंट करिएगा, कमेंट नहीं आए हैं अभी तक। Now this camera is really, what is happening with this? Sir, मेरा subject life science है। अच्छा आसमा, बहुत अच्छी बात है। Okay, so all the students over there, all the best, and let's meet tomorrow once again
आई थिंक जस्ट लेट्स मीट टुमारो वंस अगेन गुड बाय टेक केयर ओके ऑल द बेस्ट